जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं आशुतोष, दोस्तों आज आपके लिए मैं ये बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी में जो आपका 31 तारीख या 25 31 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद जिसके 40 नंबर आ रहे हैं, जिसके 40 नंबर आ रहे हैं, उसका क्या होगा? सबसे बड़ी बात ये है, क्या उसका सिलेक्शन होगा, क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा? ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब मैं एक आपको कड़वी सच्चाई ज़रूर बताऊंगा, जो कि सही, बिल्कुल 100% सही होने वाला है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद उन 40 वालों का क्या होगा, हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जिनका 35 नंबर, 40 नंबर और 45 नंबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने भी बहुत सारे, मेरे भी बहुत सारे कट ऑफ देखे होंगे, और भी यूट्यूबर्स के देखे होंगे जिन्होंने 80 नंबर भी बता रहे हैं, 70 नंबर भी बता रहे हैं। ठीक है, और इवन मैं भी इतना बता रहा हूँ, ठीक है, 80 तक कुछ और बता रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगर आपके फ्रेंड 40 से लेके 55 तक नंबर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट है जो मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से, तो मैंने 55 वालों को मैंने ये बोला है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, अगर 55 नंबर आ रहे हैं तो मैंने बोला आपकी सिलेक्शन के बहुत कम चांसेस हैं। अब ये मैं वीडियो क्यों बनाया हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं फ्रेंड्स, जो कमेंट आ रहे हैं, और आप देखो मैं हर वीडियो में कम से कम 1200 से लेकर 1400 लोगों का कमेंट आ रहा है, और आपको, आप मेरे अभी भी वीडियो में जाकर देखिए, मैं 50% हर वीडियो में जितने कमेंट होते हैं सभी का एक एक बहुत अच्छे से रिप्लाई देता हूँ। आप मेरे देख सकते हैं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या आप मेरे में विजिट होते हैं, सब्सक्राइबर नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, विजिट डेली होते हैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, तो आप ये मेरे देखते होंगे कि मैं डेली सबका कमेंट का रिप्लाई भले देता हूँ, भले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो या ना करते हो, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ कहीं ना कहीं अपनी तरफ से मैं पूरी तरह से 100% वो कर रहा हूँ, जिससे कि किसी का नुकसान ना हो, सबसे बड़ी बात। अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो 40 नंबर आ रहे हैं, जिनके 50 नंबर आ रहे हैं, क्या वो फिजिकल की तैयारी करें, क्या वो फिजिकल की तैयारी ना करके किसी दूसरे का एग्ज़ाम, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें, उन लोगों के लिए मैं सबसे ज़्यादा बेटर, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊँ, एक एक मिनट फ्रेंड, एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक एक मिनट आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं, जो आपके सारे डाउट होते हैं उसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और फ्रेंड्स अच्छा लगे लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक करके चले जाइएगा। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ऐसे बोल रहे हैं कि सर आप वीडियो कुछ ज़्यादा बना रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो ना देखें, जिसको अच्छा लगता है वो खुद ही देखेगा, जिसको नहीं अच्छा लगता आप मत देखिए। आप, मैंने किसी को देखो जबरदस्ती नहीं कहा कि आप मेरे वीडियो पे आओ और विजिट करो, सब्सक्राइब करो, किसी एक 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 भी बंदे को मैंने नहीं कहा। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप डिसलाइक करें और चले जाइए, ठीक है, नहीं देखना, आप अपना यूट्यूब का चैनल ही बंद कर दीजिए अगर आपको यूट्यूब से दिक्कत है। मैं तो देखो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मैं तो वीडियो बनाऊंगा, मैं उन लोग के लिए बनाऊंगा, अगर 100 लोग के भी डाउट होंगे तो मैं उन 100 लोग के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, और वो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, 30 के बाद भी करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बातें सही होंगी। अब फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका 40 नंबर आएगा उनका क्या होगा रिजल्ट के बाद, तो फ्रेंड्स उनके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल हैं, ठीक है, अगर आप मेल हैं और आपका 40 नंबर आ रहा है जनरल में, मेल फीमेल की बात मैं बाद में करूँगा, अगर आप मेल में हैं आपका 40 आ रहा है फ्रेंड्स, 35 आ रहा है, ठीक है, 45 आ रहा है, तो इतने तक जो आ रहा है, और कौन से स्टेट के हैं ये भी मैं बता देता हूँ, इस स्टेट को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, उत्तर प्रदेश, MP, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, दिल्ली भी लिख लो आप, ठीक है, और झारखंड भी लिख लो और छत्तीसगढ़ भी लिख लो, ठीक है, ये ऐसे स्टेट हैं, इन स्टेटों की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने अभी और कोई स्टेट का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो वीडियो को जो ऐसे कुछ होते हैं कि जो वीडियो को हल्का देखते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर आपने तो कुछ और बोल दिया, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वीडियो नहीं देखा, और फिर कमेंट में ऊटपटान की चीज़ें बोलते हैं, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, पहले वीडियो को देखो फिर बात करो, ठीक है, बिन लॉजिक की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, मेरा भी टाइम ख़राब कर रहे हैं। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इन राज्यों के जो स्टूडेंट हैं, और अगर फ्रेंड्स इनके 30 से लेकर, 33 से लेकर, मैं कहता हूँ जनरल वालों के 33 से लेकर फ्रेंड्स 45 आ रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप अपनी तैयारी बंद कर दें। मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन
1% मैं बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, 45 तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कितना होगा फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन अगर 45 हैं तो नॉर्मलाइजेशन कितना होगा यार, 18 नंबर बढ़ेगा, 18 14 देखो 16 17 18 बहुत रेयर केस में लोगों का बढ़ेगा, बढ़ेगा मैं नहीं कह रहा, बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों का जो मार्क्स फ्रेंड्स बढ़ने वाला है, मैक्सिमम लोगों का या तो 10 बढ़ेगा या तो 12 बढ़ेगा या तो 15, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो आप सोचो अगर आपके इतने भी मार्क्स आ रहे हैं तब भी जितना मैंने कट ऑफ बताया है तब भी आप वो कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, मतलब आपके पास चांसेस बहुत कम हैं। तो अब ये ऐसे जनरल वाले जो मेल हैं, मैं कहता हूँ अगर आपके 45 तक आ रहे हैं तो आप बिल्कुल 1% चांस है उनके लिए। तो मैं कहता हूँ कि आप अपना टाइम ना खराब करें, अपना समय ना खराब करें, ठीक है। बहुत 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 एग्ज़ाम हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, आपने रेलवे का भी दिया होगा, एसएससी एमटीएस का भी दिया होगा, ठीक है। आप अपना टाइम मत खराब करिए, ठीक है, वो चीज़ करिए जो आपके लिए बेटर हो सकता है, ठीक है। बहुत वीडियो बनाते होंगे, इवन इवन मैंने भी 40 वालों को बताया है, लेकिन मैंने 40 वाले को कभी उत्तर प्रदेश, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं कि जो मैंने अभी स्टेट बताए हैं, मैंने कभी किसी का नहीं बताया कि 40 नंबर वाले जनरल वालों का उसका सिलेक्शन होगा। अभी तक एक वीडियो मेरा उठाकर देख लीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, मैंने 40 वाला बताया है, लेकिन मैंने कहाँ बताया, आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, वहाँ 40 नंबर जाने किससे हो रहा है। आज भी एक कट ऑफ का वीडियो बनाया है सर्वे वाला, उसमें भी मैंने बताया कि 40 वालों का होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। अब फ्रेंड्स ओबीसी और जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी और जनरल वालों के लिए मैं कहता हूँ अगर 45 तक आ रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत कम हैं। हाँ अब बचे क्या है, एसटीएससी। अब एसटीएससी में मैं बताऊंगा अगर आपके 40-45 आ रहे हैं, इन स्टेट से हो आप, तो आपके लिए 70% चांस बन सकता है, 70% चांस बन सकता है। अगर आपके 15-15 नंबर बनते हैं तो 55-56 नंबर के करीबन कुछ आते हैं, तो 55 नंबर 56 नंबर कुछ ऐसे स्टेट है जिनका कट ऑफ जा सकता है एसटीएससी में, ठीक है, वो पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल कितना हो सकता है, 70%, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया जो उन राज्यों से हैं, यूपी से हैं, एमपी से है, ठीक है। तो ये उन राज्यों की बात की है मैंने, जनरल वालों की बात की है, ओबीसी वालों की बात की है, एससी वालों की, एसटी की बात की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उनसे यही बोलूँगा कि आपको रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जिनका मैंने मना किया है, तो रनिंग वनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट वेट करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार रिजल्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाती है, क्या पता आपको 20 नंबर मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते, नॉर्मलाइजेशन में इतना नहीं मिलता, लेकिन 1% हम मान सकते हैं, ठीक है, कुछ पॉसिबल। देखो सब कुछ, एक चीज़ मैं बोलूँगा, लक भी बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा इनमें, इन लोगों में लक भी नहीं उतना मैटर करेगा, मैटर लक कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ, इसलिए मैंने 70% बोला, यहाँ लक मैटर कर सकता है। क्या पता आपका 20 नंबर बढ़ जाए, 45 आ रहे हैं और आपके लगभग 15 नंबर बढ़ जाए, और आपके 60 में तो मोस्टली एस सी एस टी का कई स्टेट हैं जो क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, अब हम फीमेल की बात करते हैं फ्रेंड्स। फीमेल की मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल और ओबीसी हैं, और वही मैं बात करूंगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात हो गई, ठीक है, और हाँ एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये स्टेट की बात कर रहा हूँ जो मैंने बताया भी था पुराने वीडियो में कि हाई कट ऑफ ये जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इन स्टेट से फीमेल हैं तो मैं कहता हूँ कि आप अगर जनरल से हैं तो आपके 55% चांसेस हैं कि आपका हो सकता है, 55%, 100% मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो आप एक उम्मीद लगा सकते हैं, आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका हो सकता है। इनके मैं चांसेस 80% बोल दूंगा अगर आप फीमेल से हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा अगर आप फीमेल से हैं तो आप करिए, तो एक चांस कर सकती हैं, हल्की हल्की रनिंग कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप मेल हैं तो आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी फ्रेंड्स मैं दे रहा हूँ आपको, और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आपका नंबर, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके 45 नंबर आ रहे हैं फीमेल हैं, ठीक है, और आपके 15 नंबर बढ़ जाते हैं तो आपके 60 नंबर आते हैं, और मैंने कहीं कहीं आपने देखा होगा, मैंने कुछ कुछ स्टेट हैं जो मैंने बताया कि 60 में भी आपका फिजिकल निकल सकता है, फिजिकल आपका निकल सकता है, लेकिन लेकिन अगर आप जनरल ओबी से हैं और आपका 35 नंबर आ रहा है तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल अपनी तैयारी बंद कर दीजिए। 40 के ऊपर आ रहा है, 42-43 आ रहा है, तो एक होप बना सकती हैं, एक उम्मीद बना सकते हैं कि क्या पता नॉर्मलाइजेशन में इतना नंबर बढ़ जाए, ठीक है। एसटी और एससी के लिए बोलूँगा, फीमेल के लिए अगर आपके 45 आ रहे हैं तो आप रनिंग करिए, आप रनिंग करिए, लेकिन लेकिन फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ सभी का नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं बढ़ेगा,
मार्क्स उनका बढ़ेगा जिनका पेपर टफ आया था। ये मैंने आज भी ये बात बोल रहा हूँ, और मैंने पुराने वीडियो में भी बोलूँगा और आगे भी बोलता रहूँगा, सबका नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम एक चीज़, अब हम सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड ये जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर बढ़ा सकता है, 12 नंबर बढ़ा सकता है, 14 नंबर बढ़ा सकता है, इतना ही बढ़ाएगा, ठीक है। बहुत रेयर केस होगा कि 16-17 नंबर, 1% 2% ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा जब टफ आया होगा, ऑन एवरेज इतना नंबर ही बढ़ाएगा। हाँ, और ये भी हो सकता है कि 5 नंबर बढ़ा दे, 6 नंबर बढ़ा दे, 1 नंबर बढ़ा दे, 2 नंबर बढ़ा दे, नॉर्मलाइजेशन ऐसे मिलेगा। 10 नंबर जो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो उसको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा। तो ये बात जो जानकारी फ्रेंड्स मैं आपको दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। क्योंकि वो लोग भी जिनके 42 नंबर भी आ रहे हैं जनरल से फ्रेंड्स, उनके भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं उनको क्या जवाब दूं फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि अब मैं उनको ये तो बोल, मैं उनको बोलता हूं कि आप, मैंने बोला भी कि आपका इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर आपके, हाँ, अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं प्लस, 50 नंबर प्लस जनरल से हैं आप, ठीक है, चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, तो मैं कहता हूँ कि आप हल्की हल्की रनिंग करिए, क्या पता आपका 12 से 13 नंबर आपका बढ़ जाए, 12 से 13 नंबर आपका बढ़ जाए नॉर्मलाइजेशन में, तो आपका 63-64 आ जाए। और 63-64 जैसे कि आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और ठीक है महाराष्ट्र है, तो वहाँ कट ऑफ मेल का जा सकता है। अनुमान से मैंने लगाया था फ्रेंड्स पहले भी, इन स्टेट में मेल का जो कट ऑफ है वो 65 से लेकर 75 तक जा सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है स्टेट स्टेट, छत्तीसगढ़ हो गया, आप देखते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, फिर बिहार हो गया, बढ़ते बढ़ते आपको पता है हरियाणा का ज़्यादा कट ऑफ जाता है, फिर राजस्थान हो गया, फिर यूपी हो गया, तो ऐसे आपका कट ऑफ बढ़ेगा। और ऐसे मार्क्स में इसीलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक क्राइटेरिया दिया था, ठीक है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट कोई कट ऑफ नहीं बता सकता, मैंने भी किसी वीडियो में एग्जैक्ट नहीं बताया है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, एसएससी वाला भी नहीं बता सकता, और जो बता रहा है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स यही कुछ बातें थी जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और आपके कोई भी डाउट हो, और फ्रेंड्स एक बात बता रहा हूँ, इसके पहले मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप मेरे कम्युनिटी कम्युनिटी में जाएँ, वीडियो के कम्युनिटी में जाएँ, वहाँ वोट करें, वहाँ लाइव वोट करें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कम्युनिटी में जाएँ, मेरे प्रोफाइल में जाकर कम्युनिटी में एक सर्वे पड़ा हुआ है, उस सर्वे में इन्वॉल्व होजिए, ठीक है। कोई डाउट हो मेरे को डाउट पूछिए, ठीक है, कोई डाउट हो कोई डाउट पूछिए, अच्छा लगे लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स आपको मैं साथ में ये भी बोल रहा हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करेंगे उतना मैं अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कल मेरी कोशिश ये रहेगी कि नक्सल और बॉर्डर का मैं वो लाऊँ, ओवरऑल लाऊँ, ठीक है, ओवर मैं नक्सल और बॉर्डर का अभी तक कट ऑफ नहीं लाया हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं बिल्कुल लाऊंगा फ्रेंड्स। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी एनालिसिस करके बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कोई वीडियो बनाता हूँ। अगर मैं अपनी मर्जी से मेरे को बनाना होता तो मैं नक्सल और जो बॉर्डर का है, मैं सोच रहा हूँ अच्छा खासा थोड़ा सैंपल आ जाए मेरे पास नक्सल और बॉर्डर का, जो ऑलरेडी काफ़ी मेरे पास सैंपल लोगों के कमेंट के, क्योंकि सब क्योंकि जब वोट करते हैं तब उसमें नहीं पता चल पाता कि कौन नक्सल है, लेकिन जो कमेंट आते हैं, और दूसरी बात फ्रेंड्स बता रहा हूँ कि कमेंट आप मेरे जाके देख सकते हैं, मैं सभी का कमेंट का जवाब देता हूँ चाहे वो कोई भी हो, और बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ। और जो इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, शुरू के 1 घंटे तक मेरे को करिए, और जिसका मैं नहीं जवाब दे पा रहा हूँ और वो बहुत लगातार मैसेज कर रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लगातार मैं मोबाइल देखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके जवाब कहीं ना कहीं वीडियो बनाकर जरूर दूंगा, ठीक है। आगे की वीडियो के लिए फ्रेंड्स इंतजार करिए, अच्छा लगे बिल्कुल लाइक करिएगा, अच्छा लगे लाइक जरूर किया करिए, ठीक है, कमेंट करें ना करें लाइक जरूर करिए। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।